Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Christopher Nolan! क्रिस्टोफर नोलन की अपनी एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग और पूरी तरह से डिफरेंट फिल्मोग्राफी के कारण हॉलीवुड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर डायरेक्टर में से एक है, जिसमें साईफाई से लेकर कुछ वाकई शानदार एक्शन फिल्म शामिल है। ऐसा लगता है कि नोलन अपनी हर फिल्म में अपना दिल और आत्मा लगाते हैं, जो कुछ हद तक चमत्कारी ढंग से एक दूसरे से 2-3 साल के भीतर रिलीज होती है। हालांकि वो जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो है उनकी मूवीज की डांस प्लॉटिंग, जिसे वो साइंटिफिक थ्योरीज के साथ जोड़ते हैं। वो इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि ऑडियंस को समझने के लिए बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। नंबर 9, द डार्क नाइट राइसेस। आईएमडीबी रेटिंग 8.4। करीब 7 साल से ब्रूस वेन का दूसरा रूप यानी सुपर हीरो बैटमैन गॉथम शहर से गायब है, मगर परिस्थितियां कुछ इस तरह करपट लेती है कि बैटमैन को वापस लौटना पड़ता है। जबकि हालात बहुत कठिन है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से। बैटमैन पहले की तरह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं रहा, पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उसके दुश्मन भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। स्टार्टिंग स्ट्रगल में बैटमैन को हार हाथ लगती है, एक के बाद एक ब्रूस वेन का सब कुछ छिनता चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शहर तबाही के मुहामे में खड़ा होता है। बस इसी के आगे की कहानी का सारा रोमांच यही है कि जीत के लिए असंभव सी दिखने वाली इस परिस्थिति के बीच में कैसे बाजी पलटी जाती है। नंबर 8, मेमेंटो। आईएमडीबी रेटिंग 8.4। गजनी मूवी इसी फिल्म से इंस्पायर्ड है, जहां हीरो को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी मूवी उल्टी है, यानी कि इस मूवी का क्लाइमेक्स पहले दिखाया जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। ये मूवी पहले व्यूइंग में किसी को भी समझ में नहीं आती है, लेकिन दूसरी व्यूइंग में ये सबको काफी अच्छी लगती है। नंबर 7, द प्रेस्टीज। आईएमडीबी रेटिंग 8.6। ये दो मैजिशियन की कहानी है जो एक दूसरे से बेहतर जादूगर बनना चाहते हैं। अब एक जादूगर दूसरे जादूगर की इस मिस्ट्री को उजागर करने की कोशिश करता है कि उसका कॉम्पिटिटर अपनी लास्ट मैजिक कैसे करता है, और ये सीक्रेट जानने में ऑडियंस का दिमाग घूम जाता है। लेकिन किसी भी आर्ट में सेक्रीफाइसेस तो लगते ही है, और कुछ सेक्रीफाइसेस काफी भारी पड़ सकते हैं। द प्रेस्टीज मेरी फेवरेट मूवी है उसके ट्विस्ट के लिए, जो कि काफी ऑब्वियस है, लेकिन मैं तो गेस नहीं कर पाया था। नंबर 6, डंकर। आईएमडीबी रेटिंग 7.8। डंकर की कहानी में सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया गया है, जहां ब्रिटिश आर्मी डंकर शहर में फंसे हुए अपने सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रही है। फिल्म में वॉर के बीच में सोल्जर के सर्वाइवर को बेहद उम्दा तरीके से दिखाया गया है। इसमें 5 अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन में जिंदा रहने के लिए कठोर कदम उठाते हुए देखा जा सकता है। चारों ओर पानी ही पानी और बीच में जिंदगी को बचाने की कोशिश को इस फिल्म में बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। नंबर 5, टेनेंट। आईएमडीबी रेटिंग 7.3। फिल्म की कहानी एक स्पेशल ऑपरेशन से शुरू होती है, जिसे प्रोटैगनिस्ट लीड कर रहा होता है। इसका कोई नाम नहीं होता, इसकी बस यही पहचान है कि ये प्रोटैगनिस्ट है, मगर बदकिस्मती से ये उसी मिशन के दौरान रूसियों द्वारा पकड़ा जाता है और लंबे टॉर्चर के बाद अपने साथियों के नाम नहीं बताने के बजाय मरना पसंद करता है। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, इसे बचा लिया जाता है और इसे फ्यूचर से आने वाले खतरे टेनेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ऐसी गोलियों से रूबरू होता है जो सामने जाने के बजाय वापस लौट कर आती है। इसके आगे कुछ भी बताना सस्पेंस के साथ अन्याय करना होगा। नंबर 4, द डार्क नाइट। आईएमडीबी रेटिंग 9.0। कहानी की शुरुआत गौतम शहर में द जोकर नामक कट्टर अपराधी के नेतृत्व में लुटेरों के एक ग्रोह द्वारा की गई एक भयानक बैंक डकैती से होती है। वो लूटे गए पूरे पैसों का उपयोग करके नागरिकों में दहशत पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश की योजना बनाते हैं। कहानी धीरे धीरे जोकर के क्रूर अपराधों के खिलाफ बैटमैन और न्यूली इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट के जॉइंट मिशन को उजागर करती है। नंबर 3, इंसेप्शन। आईएमडीबी रेटिंग 8.8। कॉप और ऑर्थर, जो कि प्रोफेशनल चोर हैं, वो अपने टारगेट के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर चोरियां करते हैं। उनके पास ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से वो किसी भी व्यक्ति के सपने में घुसकर महत्वपूर्ण जानकारियां चुराते हैं। उन्हें अपनी क्रिमिनल स्ट्रीक को मिटाने के लिए एक अंतिम और सबसे खतरनाक चोरी को अंजाम देना होता है। ऐसी चोरी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन कानून के डर से वो इस भयानक स्टंट को अंजाम देते हैं। नंबर 2, इंटरस्टेलर। आईएमडीबी रेटिंग 8.7। इंटरस्टेलर फिल्म की कहानी मनुष्य भविष्य पर आधारित है, जहां मानवता जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। धरती पर जीवन काफी मुश्किल हो चुका है, इसलिए कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को मानव जाति के लिए एक नए घर की तलाश में अंतरिक्ष भेजा जाता है, जहां वे वॉर्म होल से यात्रा करते हैं नया घर एक नई धरती खोजने के लिए। नंबर 1, ओपेनहाइमर। आईएमडीबी रेटिंग 8.9। ये फिल्म एक रोमांचक बायोग्राफी ड्रामा है, जो हमें अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी में झांकने का मौका देती है। ओपेनहाइमर को परमाणु बम
जंप के जनक के रूप में जाना जाता है। ये फिल्म अमेरिकी सेना के लिए ओपेनहाइमर के नेतृत्व में ट्रिनिटी कोड नाम से दुनिया के पहले परमाणु परीक्षण की कहानी है। ये परीक्षण से पहले और उसके बाद की घटनाओं का बेहद दिलचस्प वर्णन है। आई होप आपने हमारी बताई गई क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की लिस्ट को एंजॉय किया होगा। हमें अपनी फेवरेट मूवी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यार, हमेशा की तरह क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है और सभी को इसी लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सभी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस प्लस के इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो कर ले। कुछ भी रैंडम देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।